गिर की सरकार बनाते हैं, हम लोग गिर की सरकार नहीं बनाते हैं। किसके चरण पर गिर गए? जहां का बिहार का मुख्यमंत्री सबको झूठा पार्टी कहा हो, जिस पार्टी को, और गुजरात से आया है, झूठ बोला है, जो बोला हो, एक भी इज्जत नहीं नीतीश ने उनकी छोड़ी। वो बेवाज का आरोप लगाने वाला क्यों आए हैं? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। क्या राजद के साथ आएंगे नीतीश कुमार? पर उससे पहले बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जमकर खरी खोटी सुना दी है, मगर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आना चाहें तो बेशक आ सकते हैं, मगर मान सम्मान बचा नहीं, गिरकर सरकार बनाते हैं। और बिहार में अगर कोई दमदार नेता बचा है तो तेजस्वी यादव है। बिहार के जनता के दिलों पर राज करते हैं और जनता की उम्मीदें भी तेजस्वी यादव से ही है। सबसे पहले आप जगदानंद सिंह को सुनिए, किस कदर नीतीश कुमार पर जगदानंद सिंह का गुस्सा फूटा है और जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। आम जन में छटपटाहट है और आम जन का जो शोषण हो रहा है, किस मुद्दे पर जनता को आराम है, तो जनता की छटपटाहट देख करके जो सचमुच संवेदनशील होगा उसको छटपटाहट होगी। सरकार बनाने के लिए कि इन करीब प्रकार नहीं, जनता को राहत देने के लिए। हम बहुमत पाए थे, जनता ने निर्वाचन किया था, और तेजस्वी को कहीं से छटपटाहट नहीं है। छटपटाहट आम जन को है कि हम किन अत्याचारियों की हम हाथी चढ़ गए हैं, जिसके वादे में ताकत नहीं और जिसको वादा पूरा करने की ताकत ही नहीं, जिनके खींचा तय से इस बिहार को नुकसान हो रहा है। तो तेजस्वी स्वाभाविक लोगों के नेता हैं, छटपटाहट नहीं है। और जिसको छटपटाहट लोग कर रहे हैं, वो छटपटाती जनता को देख करके हम सभी बेचैन हैं कि आखिर जनता को राहत कैसी दी जाए। जो जनता को राहत देने में जरा भी सोचेगा, उस नीतियों पर चलेगा जो हम लोगों ने इस चुनाव में रखा था जनता के सामने, जनादेश हम पाए थे, आवे, और उसको छटपटाहट नहीं कहते हैं, उसको स्वाभाविक क्रिया कहते हैं। वो गिर की सरकार बनाते हैं, हम लोग गिर की सरकार नहीं बनाते हैं। किसके चरण पर गिर गए? जहां का बिहार का मुख्यमंत्री सबको झूठा पार्टी कहा हो, जिस पार्टी को, और गुजरात से आया है, झूठ बोला है, जो बोला हो, एक भी इज्जत नहीं नीतीश ने उनकी छोड़ी। और मोदी जी ने 32 या 35 घोटाले को सार्वजनिक रूप से सामने रखा, तो या तो घोटालेबाज के साथ आए हैं या तो झूठ बोलने वाले के साथ एक गए हैं। लेकिन हर हालत में ये झूठ का आरोप लगाने वाला, घोटेबाज का आरोप लगाने वाला क्यों आए हैं? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। इनको जनता के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, जनता की समस्याओं को हल करने की ताकत नहीं। स्वाभाविक नेता है तेजस्वी, और तेजस्वी ने कहा है यदि लूटपाट भी हो गई तो मैं इंतजार करूंगा। लेकिन ये लुटेरे क्या कर रहे हैं? अपने में लड़ते हुए जनता को तकलीफ दे रहे हैं। और छटपटाती जनता की तकलीफ दूर करने के पहले जब लोग और छटपटाने लगते हैं, तो उसके स्वाभाविक नेता के हृदय में एक दर्द उठता ही है। उस दर्द से बेचैनी है पूरे राजद को, लेकिन जनता ही सत्ता बदलती है अपने लिए, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को, जहां एक तरफ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार चरण पर गिरकर सरकार बनाते हैं, मान सम्मान नहीं बचा, और बिहार के जनता के लिए अगर कोई दमदार नेता है तो तेजस्वी यादव हैं, अगर नीतीश कुमार चाहे इसके बावजूद तो वो बेशक आ सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री की चेयर अब छोड़नी होगी, प्रधान के चेयर पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।